देखिए सर ये सब क्लियर है सर, ये मैं ऑलरेडी स्टडी कर चुका हूँ मनोज जी, ये जो टैक्स बचाने के चक्कर में अपने अनऑथराइज क्लेम्स और इलीगल ट्रांजेक्शन किए ना, ये सरकार की नजर में बहुत बड़ा क्राइम है आप जानते हैं। इसकी सजा 10 साल तक की जेल और 20 लाख रुपए जुर्माना है। अब इंक्वायरी बंद करने के लिए मैंने मेरे सीनियर्स को 10 लाख रुपए में कन्विंस किया है। थैंक यू कुलकर्णी सर, पैसों के लिए मैंने अपना ये घर गिरवी रखा है, कुछ दिन और ठहर जाइए आपका काम हो जाएगा, आप एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के इतने बड़े अफसर हो, कुछ और मुहूर्त दीजिए ना प्लीज। मैं बात करता हूँ मेरे सीनियर से, और अभी तो बात कीजिए आपके पार्टनर से, परेश जी ना। हाँ जा क्यों नहीं ना। मनोज जी आपकी बेटी वैष्णवी कहाँ है, वो दिखाई नहीं दे रही, बहुत खूबसूरत है वो। वो अपने दोस्त के घर पर गई है, कल आ जाएगी। सॉरी टू से मनोज जी, पर आपको बिजनेस करना नहीं आता, याद रखिए प्रॉफिट और लॉस के बीच में, बिल्कुल बीच में एक बहुत ही थिन लाइन होती है जिसे कॉम्प्रोमाइज कहते हैं। खैर आपकी ये चाय तो मैं बाद में पी लूंगा, थैंक यू। परेश फोन क्यों नहीं उठा रहे, नमस्कार मैं सोनाली कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में। किसी ने सच ही कहा है, किसी भी देश की तरक्की अस्मिता उस देश में रहने वाली नारी की स्थिति से नापी जाती है। आज हम एक ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस लाए हैं जो रिश्ते और विश्वास की परिभाषा के बिल्कुल विरुद्ध है, एक ऐसा घिनौना सच जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सिंधुदुर्ग के सावंत नगर में वैष्णवी गायकर रहती थी, उसके सपने बड़े और उम्मीदों से भरे थे। आखिर क्या हुआ था उस मासूम लड़की के साथ जिसके लिए उसे मौत से भी बदतर सजा दी जा रही थी। मुझे मुंबई में जॉब मिली है, मल्होत्रा डिजाइनर्स के यहाँ, मुंबई की बहुत बड़ी डिजाइनर कंपनी है। आई एम सो हैप्पी। अगर बाबा नहीं मानेंगे? भाई आप मना लेना ना बाबा को, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है। तू जानती है ना बाबा को? आप रुको, बाबा को आने दो, मैं मनाती हूँ। लगता है बाबा आ गए। हाँ हाँ आज भेज देंगे आज। नमस्कार, थैंक यू। बाबा मुझे मुंबई में जॉब मिली है, हफ्ते भर में निकलना होगा। ये तो बड़ी अच्छी बात। कोई अच्छी बात नहीं है, मना कर दे उनको, देख तू अकेली मुंबई नहीं जाएगी, और अगर तेरे को मुंबई जाना है तो तेरे लिए मैं मुंबई का लड़का ढूंढता हूँ, शादी कर ले और फिर मुंबई चली जाना। पर बाबा कैसी बात कर रहा है मनोज, बच्ची जिंदगी में आगे बढ़ रही है और तू उसके पैरों में शादी की बेड़िया बांध रहा है। परेश तुम्हें माहिती नहीं है। भाऊ जी ये नहीं समझेंगे, खानदान परंपरा यही नजर आता है इनको। हाँ नजर आता है, इसलिए तो मुझे अपनी मर्यादा पता है और हर एक को अपनी मर्यादा का पता होना जरूरी है। तुझे मुंबई जाना है, शादी कर ले और फिर आराम से मुंबई चली जाना, दैट्स फाइनल। बाबा तुम्हें कल ही मेरे बाबा से शादी की बात करने के लिए आना होगा। कल? इतना जल्दी? वक्त नहीं है हमारे पास, बाबा मेरी शादी कहीं और तय कर दें, इससे बेहतर है तुम ही आ जाओ शादी की बात करने। अरे वैष्णवी मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बस सिर्फ दादा को मनाना पड़ेगा। तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? ये भी कोई पूछने की बात है, हमारे लिए तो अपनी जान भी हाजिर है। <laughs>
वैष्णवी? अरे वाह, इतना सज धज के कहाँ जा रही है? कहीं जा नहीं रही हूँ, ऋषि आ रहा है अपने भाई के साथ, घर पे शादी की बात करने के लिए उसी का वेट कर रही हूँ। यार विपिन, हम दोनों ना दोस्त हैं, एक ही कॉलोनी में रहते हैं, ये प्यार व्यार के चक्कर में ना हमारी दोस्ती मत खराब कर। हाँ हाँ, ज्यादा लेक्चर मत दे, ऑल द बेस्ट। हाय। लेट तो नहीं हुआ हमें? नहीं नहीं नहीं, चलिए अंदर चलिए। मनोज बाबू, परेश बाबू, पहले हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। वैसे मेरा भाई एक ग्रेजुएट है, एड एजेंसी में काम करता है, अच्छा खासा कमा लेता है। खुश रखेगा आपके बेटी को, सीधा साधा है मेरा भाई। सीधा साधा? तो तुम्हारा ये सीधा साधा भाई पड़ोस में रहने वाली कॉल गर्ल योगिता के पास क्या कर रहा था? परेश, क्या बोल रहे तू? क्या बोल रहे हो काका? दिखाता हूँ, ये कौन है? तू है ना? देख ले, तुम्हारा सज्जन भाई। बगा परेश, ये फोटो तुम्हारे पास कैसे आई? अरे योगा योग साला, 4 महीने पहले तुम सब लोग शिरडी गए थे, उस वक्त सावंतवाड़ी में मेरी मीटिंग तय हुई थी, तो मैं तुम्हारी बाइक लेने के लिए यहाँ आया था, तब इसको देखा था मैंने। फिर जब कल इन दोनों को साथ में देखा ना मैंने, तब इसको मैं पहचान लिया। आज सुबह उस योगिता के पास मैं गया था, उसी ने ये फोटो मुझे दिए। सुन, एक लड़का है ऋषि कोलवनकर, क्या तू जानती है उसे? यही ना, ये तो अक्सर आता है मेरे यहाँ, बहुत पसंद है मुझे। वैष्णवी, वैष्णवी मेरी बात सुन। जा। अरे निकाल। वैष्णवी निकले घर, अभी मैं निकालूं यहाँ से तुझे। वैष्णवी, वैष्णवी शांत हो जा, देखो गुस्से से बात बिगड़ जाएगी। बात आगे बढ़ानी नहीं है बाबा। ए, सुना ना तूने? अब कुछ बचा नहीं है। ए अक्षय, इधर आ, बड़ा गुणगान गा रहा था ना इसका। तो सुन, रिश्तेदारी बराबर वालों में होती है, भिखारियों के साथ नहीं। ए, बहुत ज्यादा बोल रहा है तू, जान से मार दूंगा मैं तुझे। याद है मुझे जान से मारेगा। सॉरी, ये सब मेरी वजह से। रुक रुक, इधर ही रुक। तू रह गटर में, वहीं की पैदाइश है ना तेरी। परेश काका बिल्कुल सही कहते हैं, मेल जोल हमेशा बराबरी वालों में होता है। चल तू निकल। तेरी तो नहीं बात, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। चुपचाप दादा, बैठ गाड़ी में, बैठ। मुझे ना बड़ा मजा आ रहा है तुझे ऐसे देखने में। वैसे तेरे हिस्से का आधा प्यार तो तेरा आशिक मुझे कर ही चुका है, अब तू और मैं बराबर। I'm so sorry काका, मेरी वजह से आपको इतना सुनना पड़ा। अरे कुछ नहीं, उसकी बातों को तू दिल पे मत ले, वो कुछ नहीं करने वाला।
शिरके जरा चेक करो, और तुम लोग जरा आसपास चेक करो, कुछ मिलता है क्या? सर, इसके सर पे काफी गहरी चोट है, बॉडी पे और कहीं कोई स्ट्रगल का निशान नहीं है। मोबाइल, वॉलेट, सर पैन कार्ड, आधार कार्ड, परेश परचुरे, इसकी कंपनी का विजिटिंग कार्ड भी मिला है, विश्वास प्राइवेट लिमिटेड, और इसके पार्टनर का नाम भी लिखा है, मनोज गायकर, और वॉलेट में कुछ पैसे भी हैं। वॉलेट में पैसे भी हैं, फ़ोन भी है, मतलब चोरी का मामला तो नहीं है, पर ये आदमी जंगल में क्या कर रहा था? सर वही बात तो समझ नहीं आ रही, लेकिन सर एक चीज़ तो कन्फर्म है, इसका मर्डर कहीं और हुआ है और उसको यहाँ ला कर डंप किया गया है। हाँ हो सकता है, क्योंकि ज़मीन पर इतना खून भी नहीं बिखरा है। शिरके फॉरेंसिक को बुलाओ और इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो। ठीक है सर। स्वाति एम्बुलेंस को फ़ोन करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर वक्त बहुत कम बचा है आपके पास मनोज जी। देखिए फिर क्या है ना, ये केस अगर मेरे हाथ से निकलकर मेरे सीनियर के पास चला गया ना तो फिर मैं भी कुछ कर नहीं पाऊंगा। कुलकर्णी सर मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो थोड़ी सी कोशिश आपकी बेटी वैष्णवी को भी करने दीजिए। क्या है धंधे में एक दूसरे की मदद करना ही तरक्की का तरीका होता है, और आपकी बेटी वैष्णवी तो ये गलती दोबारा मत करना वरना 10 लाख के 20 लाख देने पड़ेंगे। परेश, परेश, परेश उठा ना। क्या क्या परेश का खून हो गया? अरे देखा कैसे परेश जी को आप कैसे जानते थे? अरे सर वो मेरे भाई जैसा था। एक्चुअली हम दोनों की एक छोटी सी कंपनी है, हमारे एरिया के काफ़ी सारे लोग दुबई में रहते हैं, वो वहाँ से पैसे भेजते हैं और हम उन पैसों को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके उनके घर वालों को देते हैं 2% कमीशन काट कर। हमने सुना है कि आप दोनों पार्टनर्स के बीच में कुछ अनबन चल रही। हाँ छोटे मोटे प्रॉब्लम तो होते ही रहते हैं ना पार्टनर्स के बीच में, और उसकी वजह थी सर एक्चुअली परेश को सट्टा खेलने की आदत थी और इसकी वजह से अकाउंट से काफ़ी सारे पैसे उसने निकाले थे, बस उसकी वजह से बहुत नुकसान सहना पड़ता था। तो इस वजह से तुमने अपने पार्टनर की जान ले ली? सर मैंने परेश को नहीं मारा, आप विश्वास कीजिए सर। एक मिनट। हाँ पूजा बेटा वैष्णवी को जल्दी घर भेज देना। हाँ क्या, लेकिन उसने तो कहा था वो तेरे घर जा रही है। ठीक है तो आओ थमा एक मिनट। सांक्षिल का वैष्णवी पूजा के घर में नहीं गई। वैष्णवी को फोन लगाओ ना। लाओ ना फोन, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। क्या हुआ, ये वैष्णवी कौन है? सब वो हमारी बेटी है हमारी। क्या हुआ है डिटेल में बताइए। वो कल ना सारे बोल तो। मैं पूजा के घर जा रही हूँ, हम दोनों को एक ही असाइनमेंट मिला है उसे पूरा करने। अच्छा वो रात को लेट हो जाएगा तो मैं वहीं रुक जाऊँगी और सुबह 11 बजे तक वापस आ जाऊँगी। बाबा से कुछ बाबा जाऊँ? ठीक है अपना स्कूटर लेके जाना। पर वो तो खराब पड़ा है, मैं रिक्शा से चली जाती हूँ, 50 मिनट की दूरी पर ही है उसका घर मानिक नगर में। ठीक है संभाल के जाना। पर ठीक है होगा सर। अब पूजा कह रही है कि वैष्णवी उसके घर पर गई नहीं। तो वैष्णवी किसी और फ्रेंड के घर पर चली गई होगी? नहीं सर ये पक्का उसी का काम है। किसका? ऋषिकेश कोलवनकर। वो कौन है? वो वैष्णवी से शादी करने के लिए आया था, लेकिन परेश को उसके चाल चलन के बारे में पता चल गया था और ये सुनकर वैष्णवी से उसे रिश्ता तोड़ा था और शादी भी तोड़ी थी, तब तो वो चला गया था घर से। लेकिन दिन के बाद तू याद रख, अगर तू मेरी नहीं हुई ना
तो मैं तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा, तुझे भी मार डालूंगा, खुद भी मर जाऊंगा, समझे? उसे जल्दी से पकड़िए सर, कहीं वो मेरी बेटी के साथ कुछ गलत ना कर बैठे सर। आप शांत हो जाइए, टेंशन मत लीजिए, ये वैष्णवी का फोन नंबर और उसका फोटोग्राफ दीजिए। चलिए सर। सर शिरके, इनकी कंपनी के अकाउंट्स, सारे बिजनेस रिकॉर्ड, सारे फोन्स, उनकी लोकेशन सब चेक करो। देखो बिजनेस में कोई किसी का सगा नहीं होता, सब एक दूसरे से फायदे के लिए मतलब रखते हैं। इन दोनों की पूरी कंडी चाहिए मुझे। ठीक है सर। वैसे इस वैष्णवी के केस का क्या करना है? आप कहें तो उस ऋषि को उठा लूँ? हाँ उठाओ, लेकिन मुझे लगता है कि ये दोनों मियाँ भी झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं? एक तरफ तो कह रहे हैं कि इनकी बेटी वैष्णवी अपनी किसी पूजा नाम की फ्रेंड के साथ असाइनमेंट करने के लिए गई थी, और दूसरी तरफ ये भी बोल रहे हैं कि उसे ऋषि ने गायब किया है। अब ये बताओ, इनकी बेटी वैष्णवी खुद घर पे बोल के गई थी वो अपनी किसी फ्रेंड के साथ सारी रात रुकने के लिए जा रही है, क्यों? इसका एक ही मतलब निकलता है कि वो अपनी मर्जी से ऋषि के साथ भागी है। हो सकता है सर। परेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 10 तारीख को करीब 3 से 4 बजे के बीच हुई। उसका सर दीवार पर पटक कर उसे मारा गया। सर उसके सर पे सीमेंट और रेत के ट्रेसेस मिले हैं। इसका मतलब ये कंफर्म है कि परेश को कहीं और मारा गया और बाद में उसकी बॉडी को जंगल में ले जाकर डंप कर दिया गया। यस सर। सर जैसे आपने कहा था, मैं ऋषि के घर गई, वहां मेरी बात उसके बड़े भाई अक्षय कोलवनकर से हुई। ऋषि तरह गोवा गया है। क्यों? उसका वो एडजेंसी का मीटिंग होता है, अक्सर जाया करता है। क्या हुआ मैडम, इतनी पूछताछ क्यों हो रही है? वैष्णव भी अपने घर नहीं गई है 2 दिन से। वैसे मेरे भाई का उसके साथ कोई बातचीत नहीं होती है, हमारा कोई वास्ता नहीं है उनसे। ऋषि का नंबर दो। हाँ 982 है। सर मैंने उसे कॉल किया था लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ है। शायद आपका शक सही है, ऋषि और वैष्णवी साथ में भागे हैं। इस ऋषि का फोन सर्विलेंस पे डालो, अगर ये गोवा कंपनी के काम से गया होता तो उसका फोन स्विच ऑफ क्यों होता? उसकी कंपनी में जाकर जरा पता करो। सर, सर परेश की कॉल रिकॉर्ड। सर इसका फोन नाना साहब चौक के पास ही आके बंद हुआ था, और यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जंगल में इसकी बॉडी मिली थी। शिरके एक काम करो, नाना साहब चौक का जो CCTV है उसकी फुटेज चेक करो, 10 तारीख को 1 बजे से 4 बजे के बीच की। देखो उस CCTV फुटेज में परेश के साथ कोई और दिखाई देता है क्या? ठीक है सर। सर एक और बात, ये परेश और मनोज की विश्वास प्राइवेट लिमिटेड के बैंक स्टेटमेंट। सर कमाल की बात है कि इस कंपनी में 4 महीने से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, और जब मैंने इस कंपनी के रेगुलर कस्टमर से बात की तो उन्होंने भी इस कंपनी के बारे में कुछ अजीब बात नहीं कही। लेकिन जब मैंने रिकॉर्ड चेक किए तो सर पता चला कि मनोज और परेश के खिलाफ आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में फ्रॉड का केस फाइल हुआ था। किसने फाइल किया था? सर अक्षय ने, ऋषि का बड़ा भाई। और सर ये अक्षय एक 3-स्टार होटल में एडमिन में काम करता है। अब क्या हुआ सर? परेश परचूरे को जानते हो? उन्हें कैसे भूल सकता हूँ सर। परेश भाव और मनोज भाव, उन्होंने 1 साल पहले मेरे 3 लाख रुपए डुबाए। कैसे? सर मैं पहले दुबई में काम किया करता था,
तब मैं विश्वास प्राइवेट कंपनी के थ्रू घर पे पैसे भेज दिया करता था, तब वो 2% कमीशन लिया करते थे सर। फिर मेरी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुई, मैं घर पे वापस आया, फिर मैंने कैलकुलेशन की सर, उन्होंने 3% से कमीशन लिया था। 3 साल 1% ज़्यादा, मतलब थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके 3 लाख रुपये हो गए थे सर। मैं उनसे बात करने के लिए उनके घर पे चला गया। तेरा कोई पैसा नहीं है हमारे पास। देखो परेश भाऊ, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे मेरा पैसा दे दो प्लीज। कौन सा पैसा? तेरी जॉब जाने का फ्रस्ट्रेशन यहाँ आके मत निकाल, चल चल निकल यहाँ से। परेश भाऊ देखो हाथ में रो, गुस्सा मुझे भी आता है। क्या कर लेगा तू? अरे क्या कर लेगा, गली का कुत्ता है कुत्ता। अरे परेश मत कर रहे, चल निकल यहाँ से, चल परेश भाऊ बात को चल। सर तब मैंने आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी लिखवाई थी, लेकिन उसका आगे कुछ हुआ नहीं। ये मनोज और परेश ने तेरे पैसे डुबाए, तो तूने परेश को रास्ते से हटा दिया? नहीं नहीं सर, वो तो 1 साल पहले की बात है, मेरी अच्छी खासी जॉब चल रही है सर यहाँ पे। एक बात बता, तुम लोगों में इतनी कहा सुनी हुई है, फिर भी तू वो मनोज की बेटी वैष्णवी का हाथ मांगने गया तेरे भाई के लिए? सर मैं जितनी नफरत उनसे करता हूँ ना, उससे कहीं ज़्यादा प्यार मेरे भाई से करता हूँ सर। उसकी खुशी के लिए मैंने मेरा मन बदल लिया सर, लेकिन उन लोगों का नहीं बदला। रिश्तेदारी बराबर वालों में होती है, भिखारियों के साथ नहीं। बहुत ज्यादा बोल रहा है तू, मैं जान से मार दूंगा देखो। मतलब तेरे भाई के पास भी मर्डर करने का मोटिव है? सर नहीं सर, वो तो उसने उस दिन गुस्से में बोल दिया था, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो तो बहुत सीधा साधा है। ये तेरा सीधा साधा भाई लड़की को लेके भागा है, मालूम है ना तुझे? नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, वो गोवा गया, मैंने मैडम को बताया ना। गोवा गया तो फोन क्यों बंद है उसका? पता नहीं सर, शायद कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है ना सर, उससे कोई कांटेक्ट होती है ना तो मैं खुद आपको कांटेक्ट करता हूँ, मैं सबसे पहले आपको बोलूँगा। बोलना मत समझा? ये परेश की मौत 10 तारीख को 3 बजे से 4 बजे के बीच हुई और उसका फोन नाना साहिब चौक पे शाम को 4 बजे बंद हुआ, और उसी तारीख को वैष्णवी अपने घर से गायब हुई, और 10 तारीख को ऋषि भी गोवा का झूठा बहाना बनाकर अपने घर से निकला और बाद में परेश की बॉडी हमें मिली। सर हो सकता है कि ये ऋषि और वैष्णवी एक साथ भागे हों और परेश ने उन्हें देख लिया, फिर ऋषि और परेश का झगड़ा हुआ हो और ऋषि ने परेश का मर्डर कर दिया। पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि 10 तारीख को 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में वैष्णव ऋषि दोनों का फोन अपने अपने घर पे स्विच ऑफ हुआ, मतलब उन्हें पहले से पता था कि उन्हें कब और कहां मिलना है और कहां जाना है। हाँ सर, कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से 5 से 10 तारीख के बीच वैष्णवी और ऋषि में अक्सर कॉल्स हुए, इसका मतलब है दोनों में सुलह हो चुकी थी। शिरके एक काम करो, ऋषि और वैष्णवी के फोटोग्राफ्स आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो, बोलो जहां भी दिखे तुरंत अरेस्ट करें। ठीक है सर। मुझे दे दीजिए ना। वाह, खूबसूरती की तारीफ ना हो ना तो तौहीन हो जाती है। सुजाता ऊपर जाओ। एक डील करते हैं ना मनोज जी, आपकी ये बेटी तो भाग गई, उसकी जगह पे आप अगर इन मोहतरमा को मेरे पास भेज दो। कुलकर्णी सर, वो बीवी है मेरी, ये कहने लो और चलते बनो। मुझे भी कैश चाहिए, 10 लाख, और वो भी 2 दिन में। तमाम कोशिशों के बाद भी पुलिस परेश के कातिल तक नहीं पहुंच पा रही थी।
और दूसरी तरफ वैष्णवी पर अत्याचार और शोषण बढ़ता जा रहा था। पुलिस वैष्णवी को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके हाथ कोई कामयाबी नहीं लग रही थी। फिर अगले दिन कुछ ऐसी घटना घटी जिसने पुलिस को सिर्फ हैरान ही नहीं बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर दिया। सर, मैंने आपको फोन किया था, यहाँ से स्टेशन जाने के लिए शॉर्टकट है, तो मैंने वहाँ पर एक लाश देखी, इसलिए सर आपको फोन किया। किधर है? सर यहाँ पर है। स्वाति जरा चेक करो। सर कर ले, जरा आसपास चेक करो। सर सर ये तो वैष्णवी है। सर वैष्णवी को गला दबा के मारा गया है, ये देखिए सर गले पे निशान है और सर चेहरे पे बहुत सारे वार है, शायद चेहरा बिगाड़ने के लिए। और सर हालत देख के लगता है इसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ है, मेंटल और फिजिकल टॉर्चर दोनों हुआ है इसके साथ। इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो और फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर हमारे एरिया में ही रहता है, मेरी वैष्णवी ने उसके प्यार को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, फिर वो उसका पीछा करने लगा और एक दिन मेरी और ऋषि की अब बात नहीं होती। देख वैष्णवी, मैं अभी तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, एक बार सोच ले। विपिन मुझे रिश्तों में मिलावट अच्छी नहीं लगती, हम दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। क्या दोस्त दोस्त दोस्त, थक गया हूं तेरा दोस्त बनकर। देख वैष्णवी, अगर तूने हाँ नहीं कहा ना तो मैं ना अपनी जान दे दूंगा, सच में। छोड़ ये ड्रामे मत कर, छोड़। देख मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं अपनी जान दे दूंगा, सच कह रहा हूँ मैं। देख क्या ड्रामे कर रहा है, लग जाएगा तुझे तो। I can't live without you. I can't live with you. वैष्णवी देख मैं तुझे बहुत, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी बात सुन, मैं वैष्णवी से प्यार करता हूँ। तेरा और मेरी बेटी का मेल हो ही नहीं सकता, समझ रहा तू ना? चल निकल, चल चल निकल, जाता हूँ। तुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज है ना, तेरी ऐसी शक्ल बिगाड़ूंगा ना कि कोई पहचान भी नहीं पाएगा। चल जा, चल जा, चल जा। तो आपने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? उस दिन के बाद उसने उसका पीछा करना बंद कर दिया, हमको लगा वो सुधर गया। यही गलती करते हैं मैडम हम लोग, क्राइम की शुरुआत यहीं से होती है, आपको उसके खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए थी। खैर कहाँ मिलेगा ये विपिन? वैष्णवी को क्यों मारा? सर मैं उसे क्यों मारूंगा, मैं तो उसे प्यार करता था। उस पर रेप करने की कोशिश करता और बोल रहा प्यार करता था। सर उस दिन मैं नशे में था। नशे में था तो कुछ भी करेगा है? देख सीधे सीधे बोल वरना डंडा डाल के उगलवाऊंगा। सर मैं कहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूं। तू ऐसा नहीं बोलेगा, कर दे अंदर डालो इसे। सर मेरी बात तो सुनो। सर सर मैंने सर सर हमने विपिन को उठा लिया है और सर ये वैष्णवी की पीएम रिपोर्ट। सर इसके हिसाब से उसकी मौत 14 तारीख को रात 2 बजे से 3 बजे के बीच में हुई है, गला घोटने की वजह से उसकी मौत हुई है सर। और सर रिपोर्ट में ये भी मेंशन है कि उसके साथ लगातार 4-5 दिन से सेक्सुअल एक्टिविटीज हो रही हैं और बॉडी पे बहुत सारे मार्क्स मिले हैं, मतलब सर उसे टॉर्चर किया जा रहा था। लेकिन कहीं कोई सीमन सैंपल नहीं मिला है। एकदम जानवर है ये, जिसने भी वैष्णवी को मारा है उसके मन में वैष्णवी के खिलाफ बहुत गुस्सा भरा होगा। सर आजाद नगर पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड के हिसाब से वैष्णवी और सुजाता ने योगिता नाम की कॉल गर्ल के खिलाफ कंप्लेन लिखवाई थी। क्या कंप्लेन लिखवाई थी? सर रेसिडेंशियल एरिया में ये योगिता जिस्म फरोशी का बिजनेस करती थी, 2-3 बार पहले भी ये योगिता वुमेन ट्रैफिकिंग के लिए अरेस्ट हुई है। बुलाओ इस योगिता को। सर वो वैष्णवी और सुजाता ने मेरी झूठी कंप्लेन की थी, मैं कोई धंधा वंदा नहीं करती सर। अच्छा बेवकूफ समझा है मैं, पुलिस बिना वजह किसी को अरेस्ट नहीं करती, समझी?
चल बैठ। हमें क्यों लेकर चल रहा है? चल चल बैठ। सुजाता और वैष्णवी ने तुझे अरेस्ट कराया था, तूने बदला लेने के लिए उस वैष्णवी को बेच डाला, उसे किडनैप करवा दिया और जब वैष्णवी ने वहां से भागने की कोशिश की तो मरवा दिया उसे। सर वो धंधा मैं पहले ही करती थी, अब मैंने वो सब छोड़ दिया है और वैष्णवी को मैंने नहीं मारा है सर। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता शहर छोड़कर नहीं जाएगी। ठीक है सर। जाओ स्वाति, नजर रखना इस पर। सर सर हमने इस मनोज पर नजर रखी थी, पता चला है कि मनोज ने अपना घर गिरवी रख के मार्केट से 10 लाख रुपए उठाए। ये मनोज जरूर कुछ ना कुछ हमसे छिपा रहा है। हाँ सर। सर लेकिन एक बात मैंने आपसे छुपाई है। कौन सी? एक्चुअली परेश टैक्स और जीएसटी बचाने के चक्कर में पैसों की बहुत हेरा फेरी करता था। मैंने उसे बहुत बार समझाया पर उसे कभी माना नहीं। फिर एक दिन आप लोगों को क्या लगा ये सब फ्रॉड करके आप सरकार से बच जाओगे? सॉरी सर गलती हो चुकी है, आप ही बताइए क्या कर सकते हैं। 20 लाख रुपए का फ्रॉड है, इंक्वायरी तो बैठेगी, 10 साल की सजा और 20 लाख तक का जुर्माना। मैं क्या कहता हूँ कुछ चाय पानी ले दे के मामला यही सेटल कर देते हैं। 10 लाख कैश। एक ईडी ऑफिसर ने आपसे रिश्वत मांगी? हाँ सर, इसीलिए मैंने अपना घर गिरवी रख के मार्केट से 10 लाख रुपए उठाए थे। नाम क्या था उस ऑफिसर का? राजेंद्र कुलकर्णी। आपके पास नंबर है उसका? हाँ। शिरके नंबर लगाओ। सर इसका फोन बंद आ रहा है। आजकल ईडी में शार्दुल दलवी है ना, उन्हें फोन लगाओ और इस राजेंद्र के बारे में पता करो। ठीक है सर। पर मनोज जी आपको पता है ना रिश्वत देना और लेना दोनों अपराध हैं। मुझे पता है सर, सर लेकिन मैं बहुत डर गया था। बाबा मैं मार्केट जाके आती हूँ। हाँ संभालो जा। आपकी बेटी मेरा मन बहलाने के लिए कुछ दिन आ जाए तो। कुलकर्णी सर। सर उसकी मेरी बेटी पर ही नहीं मेरी बीबी पर भी बुरी नजर थी सर, इसलिए सोचा कि उसके सारे पैसे उसको देकर मामला खत्म कर दूं बस। मनोज जी ये बात आपको हमें पहले बतानी चाहिए थी, यहाँ तक नौबत नहीं आती। सर 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 दलवी साहब से बात हुई है, उनका कहना है कि ईडी में राजन कुलकर्णी नाम का कोई भी ऑफिसर नहीं है। क्या? और सर विश्वास प्राइवेट लिमिटेड नाम से कभी भी कोई इंक्वायरी नहीं निकली। सच में? मतलब ये आदमी फेक ईडी ऑफिसर बनकर लोगों को ठग रहा है। चलके इस नंबर को ट्रैक करो, इस नंबर की सारी कॉल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड चाहिए मुझे। मनोज जी आप इस सो कॉल्ड ईडी ऑफिसर को तो अच्छे से जानते ही हैं, चेहरा कई बार देखा आपने। हाँ सर। स्केच बनवाओ। सर सर उस ऑफिसर का फोन अभी तक स्विच ऑफ है सर, और मैंने उसके कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं, उसने सिर्फ और सिर्फ मनोज जी को ही फोन किया था। और एक और बात सर, उसके फोन की लोकेशन कभी कभी योगिता के घर के आसपास की थी। योगिता ये मनोज जी की नेबर ना? राइट सर। सर इनके बिर्बिंग से ये स्केच बनाया है। यही है वो राजेंद्र कुलकर्णी। देखो डरो मत, बताओ यही था? हाँ सर ये एक बार आया था। ये योगिता ये अपना पुराना दोस्त है, इसे मजा आना चाहिए। इसने कुछ बताया अपने बारे में? नहीं सर इसने तो कुछ नहीं बताया, पर इसके साथ जो आदमी आया था मैं उसे जानती हूँ, वो यही शिवा कॉम्प्लेक्स में रहता है। हमें सब पता है तेरे और उस नकली ईडी ऑफिसर के रैकेट के बारे में, अब सीधे सीधे बताएगा या तेरे हलक में से उगलवाऊं। चिरके सब 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 कुछ बताता हूँ सब सब। उसका नाम शेखर नाइक है सब। मैं दिल्ली में जॉब करता था तभी हम पहली बार मिले थे,
और एक दिन अचानक वो मेरे घर पे आया। क्या? तो तू इधर फेक ईडी ऑफिसर बनके लोगों से पैसे लूटता है? हाँ। और पता है तुझे, थोड़ा सा डरा दो ना तो लोग पैसा दे भी देते। दिल्ली की पुलिस है ना, कुत्ते की तरह ढूंढ रही मुझे, पर मैं हूँ ना उनके नाक के नीचे से भाग आया हूँ। और फिर तुम दोनों ने यहाँ आकर ठगी करना शुरू कर दिया। नहीं सर, कसम से सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। सर बस मेरी इतनी गलती हो गई कि मैंने उसको अपने घर में रहने दिया। सर ना वो मेरे घर में रहता और ना ही वो ऋषि से मिलता। ऋषि कोलवनकर? हाँ सर। पता नहीं यार, उस योगिता ने मेरी फोटो उस परेश को क्यों दी? जी करता है उसे जान से मार दूं। तेरे को पता है, उस परेश और उस मनोज जी के कंपनी ने मेरे दादा के 3 लाख रुपए खाए। क्या? हाँ। कौन सी कंपनी रे? कैसे पैसे? अरे मेरा अक्षय दादा पहले दुबई में हुआ करता था ना, वो वहां से पैसे भेजता था इन लोगों को। ये लोग इन्वेस्टमेंट करते थे, कर दिया घपला। जब वापस मांगने गया तो बोला कुछ नहीं मिलेगा, इनके पास कुछ भी नहीं है। और तभी शेखर के दिमाग में मनोज और परेश को लूटने का प्लान आया और उसने उनके कंपनी में फ्रॉड बताकर उनसे 10 लाख रुपए की मांग की। सर कहाँ है तेरा वो शेखर? सर वो मुंबई गया हुआ है, कल लौटेगा। खड़े लेके जाओ उसे। हाँ साहब, सच में मैंने कुछ नहीं किया साहब, साहब कसम से। शिरके, अगर लोमड़ी का शिकार करना है तो उसे बोटी डालनी पड़ेगी। मनोज जी को फोन लगाओ और उनसे कहो कि शेखर मतलब राजेंद्र का अगर उन्हें फोन आए तो उससे कहें कि पैसे रेडी है। ठीक है सर। हाँ हाँ कुलकर्णी सर। पैसे का बंदोबस्त हो गया? हाँ बंदोबस्त हो गया है, आप आ जाइए पैसा लेने के लिए। मैं नहीं, पैसा तुम लेके आओगे कल शाम 4 बजे बीच रिसोर्ट। मिस्टर राजेंद्र कुलकर्णी फ्रॉम ईडी, आई कार्ड दिखाइए प्लीज। हाँ देखो, किधर? दिल्ली में तुझ पर फ्रॉड के कई केसेस हैं, लेकिन यहाँ पर तुझ पर फ्रॉड के साथ साथ मर्डर और रेप के चार्जेस भी लगेंगे। सर मैंने ना वो परेश को मारा है ना मैंने वैष्णवी का खून किया है। ये तो इतनी आसानी से नहीं कुछ उगलेगा, हमसे मेहनत करवाएगा। तू ही बता दे, तू तो इसके साथ प्लान में शामिल था ना? सर सर मैं तो किसी भी प्लान में नहीं था सर। सर सर वो वैष्णवी को मैं जानता भी नहीं है सर। सर वो तो ऋषि के साथ भागने वाली थी सर। भाई मैंने वैष्णवी को मना लिया है। भाई कब है शादी? नहीं ना यार, यही तो प्रॉब्लम है, उसे घर वाले नहीं मान रहे। लेकिन अक्षय दादा ने बोला है कि तुमको भाग के शादी करनी चाहिए और इसके लिए हम लोग परसों भाग रहे। अक्षय दादा हमारे रहने का वगैरह सब बंदोबस्त कर रहा है। ऋषि की तुमसे कब बात हुई थी? सर वो कुछ, हाँ 8 तारीख को। और 8 तारीख को ऋषि ने तुमसे कहा था कि वो 10 तारीख को वैष्णवी के साथ भागने वाला है। हाँ सर। वैष्णवी के साथ साथ 10 तारीख को वो परेश भी गायब हुआ था। शिरके, इस अक्षय ने हमसे झूठ बोला है कि ऋषि गोवा गया हुआ है। इस अक्षय पर नजर रखो, क्योंकि उसका झूठ सबूत के साथ उसके सामने रखेंगे। लेकिन हुआ क्या? कौन देखा? हाँ मैं देखता हूँ। अरे सर पकड़ो दादा, दादा पकड़ो। अरे सर सर
क्यों? तुम दोनों ने मारा है ना वैष्णवी और परेश को? बोल, वैष्णवी को मारा? क्या बोल रहे हो सब? दादा आपने तो बोला हम लोग दोनों कल मुंबई जा रहे हैं ना, और आपकी उसे बात भी हुई है, वैष्णवी कल यहाँ आ रही है ना दादा? झूठ बोला है तेरे भाई ने तुझसे। 10 तारीख को वैष्णवी तुझसे मिलने के लिए निकली थी, फिर वापस घर नहीं पहुंची, और सीधे 14 तारीख को हमें उसकी लाश मिली। 4 दिन तक उसके साथ ब्रूटली रेप किया गया, और पता है किसने किया? इसने, तेरे सगे भाई ने। लगा हो? और सच बता, शुरू से गुस्सा आ गया था मुझे, मेरे पैसे डुबाए, मेरा और मेरे भाई का अपमान किया। अब इसको 8 तारीख को फोन आया उस वैष्णवी का, उसने उसने बोला कि फिर अपनाएगी इसे, तब मैंने प्लान बनाया। ऋषि तुम यहाँ से सीधा वर्तक नगर के लिए निकलना, मैं वैष्णवी को उसके घर से पिकअप करता हूँ और वर्तक नगर में छोड़ता हूँ, वहाँ से तुम दोनों मुंबई के लिए निकलना। लेकिन ध्यान से अपना फोन स्विच ऑफ कर लेना दोनों भी, ताकि तुम लोगों तक कोई पहुँच ना पाए। मैं पूजा के घर जा रही हूँ, हम दोनों को एक ही असाइनमेंट मिला है, उसे पूरा करने। आजा। सुन, अब जब तक मैं ना बोलू यहां से बाहर नहीं निकलना, ठीक है? देखिए मैं वैष्णवी को लेके आता हूं, ठीक है? दादा आप कहाँ लेके आए हैं मुझे? ऋषि कहाँ है? ऋषि ना नहीं आने वाला, तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैं अकेले ही काफी हूं। तेरे बाप की करतूतों की सजा है ना मुझे मिलने की, समझी? हे अक्षय, काका क्या चल रहा है तुम लोगों का यहाँ? काका ये मुझे धोखे से लेके आया है। फिर तो अच्छा हुआ मैं तुम्हारे पीछा। क्या बोले, वो चर्बी चढ़ी है क्या तुझे? हाँ तो देख रहे मेरे में कितनी चर्बी है, मेरा पैसा डूबेगा काका, मेरा इंसल्ट करेगा, मेरे भाई की शादी तोड़ेगा साले। ऋषि 10 तारीख को जब वैष्णवी तुझसे मिलने यहाँ नहीं पहुंची, तो फिर तू यहाँ क्यों रुका रहा, गया क्यों नहीं यहाँ से? क्योंकि दादा ने मुझसे कहा कि वो जब घर से भाग रही थी तो उसे घर वालों ने पकड़ लिया, और उसके घर वाले मुझे ढूंढ रहे थे, तो कुछ दिनों तो मुझे यही छुपे रहना पड़ेगा, और वैष्णवी कुछ दिनों के बाद फिर से भागेगी, इसलिए मैं यहाँ रुका था सर। झूठ बोलाया तेरे भाई ने, झूठ बोला तुझसे। बता क्यों मारा तूने वैष्णवी को, बता। गलती की सजा मिली उसको। अभी रो क्यों रही है, मजे तो तू भी तो ले रही है, तू तेरी तो फेंक दिया मैंने उसके बॉडी को। मुझे ऋषि ने विपिन के बारे में बताया था, मुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज है ना, तेरी शक्ल ऐसी बिगाड़ूगा ना कि कोई पहचान नहीं पाएगा, समझी? सारा शक उस विपिन पे जाए, इसलिए वैष्णवी का चेहरा बिगाड़ दिया मैंने, ब्लेड से वार किया, बिगाड़ दिया उसका चेहरा। दादा तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तब मैं कोशिश करूंगा तुझे उम्र कैद नहीं सीधे फांसी होगी, लेके चलो इसे। अक्षय कोलवनकर को वैष्णवी रेप केस में आईपीसी की धारा 375 और साथ ही साथ वैष्णवी और परेश के मर्डर केस में धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई गई। क्रोध अक्सर हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है, क्रोध से अहंकार पैदा होता है और अहंकार हिंसा को बढ़ावा देता है, इसलिए क्रोधित होने से पहले उससे होने वाले परिणामों के बारे में सोचना हमारी जिम्मेदारी है। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रिलोडेड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, आप जानते हैं कि हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं,
कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान में रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।